उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकास नगर में एक हादसा हो गया है। दरअसल यहां बाड़वाला जुड्डो मोटर मार्ग पर चारधाम जा रहे यूपी के यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित हो गई और पैराफिट तोड़कर खाई में लटक गए। मौके पर पहुंचे लोकल लोगों और पुलिस कर्मियों ने सभी को बस के पिछली इमरजेंसी खिड़की से बाहर निकाला। एक क्रेन और दो जेसीबी की मदद से खाई में लटकी बस को बाहर निकाला जा सका। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिन्हें वहीं के एक होटल में ठहराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह बस ऋषिकेश से यमुनोत्री के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि शाम करीब 4:30 बजे चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे पैराफिट को तोड़कर खाई में लटक गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग और चौकी प्रभारी डाक पत्थर अर्जुन गुसाई के नेतृत्व में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पीछे की इमरजेंसी खिड़की से यात्रियों को एक एक करके बाहर निकाला गया। सारा सामान भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने बताया कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर और परिचालक के अलावा कुल 42 यात्री सवार थे, जिनमें से दो मथुरा और बाकी गोंडा के रहने वाले थे। यात्रियों के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की गई। आपको बता दें, इन दिनों उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, खासतौर पर जो बस चालक हैं और जो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं, वो सावधानी और सतर्कता से ड्राइव करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।